देखिए आपको इस बात को समझना होगा, दिल्ली में 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है। अगर आप दिल्ली के जल बोर्ड के सारे टैंकर, जो अभी 1100 टैंकर डिप्लॉय होते हैं, वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं, ये सारा टैंकर्स में जितना पानी इस्तेमाल होता है वो करीब 5 MGD पानी है, यानी 5 MGD 1000 MGD में से, यानी 0.5% जो दिल्ली के पानी का प्रोडक्शन है। टैंकर माफिया पे बिल्कुल लगाम कसी जानी चाहिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर के पार है, चाहे दिल्ली के अगर इस पार है, तो हम हरियाणा पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे लगाम कसी। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अगर लगाम कसी भी जाती है तो आप 0.5 MGD पानी बचा लेंगे, आप 0.75 MGD पानी बचा लेंगे, आप 1 MGD पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो यमुना में सिर्फ एडिशनल वाटर से पूरी हो सकती है। अगर एडिशनल पानी नहीं आएगा तो चाहे हम कितने भी मेजर्स अपनी तरफ से ले लें, आज दिल्ली सरकार के सारे विभागों को ग्राउंड पे उतार दिया गया है दिल्ली में पानी की कमी को रोकने के लिए, पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए, पानी की वेस्टेज को चालान करने के लिए, पानी की पाइपलाइन को पानी को रोकने के लिए, लेकिन 40 MGD पानी की कमी सिर्फ इससे पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, कि वो हरियाणा और हिमाचल के माध्यम से मात्र अगले 20 दिन के लिए, अभी दिल्ली लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन नहीं चाह रही है, अगले 20 दिन की हीट वेव के लिए हम चाहते हैं कि हमें एडिशनल पानी मिले, कि दिल्ली वालों की परेशानी।